नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। समाज में सभी समाज के प्रतिनिधियों ने, ऑफिस बेयरर्स ने बहुत अच्छा प्रयास किया है एंड हम लोग सब उनके सपोर्ट में हैं। और मैं चाहता हूं कि बच्चों में अगर अनुशासन पैदा करना है, बच्चों को अगर अनुशासन सिखाना है, तो सबसे पहले उसे स्पोर्ट्स बॉय बनाइए, स्पोर्ट्स मैन बनाइए। बच्चों में अपने आप अनुशासन आ जाता है। बच्चों में अनुशासन आएगा तो परिवार में अनुशासन आएगा, परिवार में अनुशासन आएगा तो समाज में अनुशासन आएगा। इसलिए स्पोर्ट्स इज कंपलसरी आई थिंक फॉर एवरीबडी। हमारी टीम सालासर बालाजी के नाम से है, मेरी कंपनी भी सालासर बालाजी के नाम से है, तो बालाजी की कृपा है, जो भी जीतेगा बालाजी को प्रणाम करेगा, इसलिए जीत हमारी निश्चित है। खेल का आयोजन दादी समाज मुंबई का पहला प्रयास है, जिसमें ये जो पहला प्रयास है पूरे वर्ल्ड में दादी समाज एकदम जोरदार, ये जो IPL का DPL का मैच हो रहा है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। उसमें क्या होता है कि मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जो टीमें हैं, छः बनाई हैं राजेश जी ने, उसमें छः टीमों में जोश है, पूरा लगन है। और मैं ये कहता हूँ कि अगर ये टीम भावना खेल की भावना से नहीं होता है, खेल की भावना अलग होती है, लेकिन जो क्रिकेट मैच है उससे जो जुड़ाव होता है लोगों का एक दूसरे के प्रति, जो सम्मान होता है, जो लोगों को जानते नहीं थे वो यहाँ जानेंगे, उसका इमोशनल बैंक अकाउंट खुलेगा। क्योंकि मैं लायंस क्वेस्ट का ओनर हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो ये छः टीमें हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और उसमें मेरा ये कहना है कि लायंस क्वेस्ट का 100% विजय रहेगा। ये जो आयोजन हुआ है इज बेसिकली ऑन क्रिकेट। क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो टीचेस यू फिटनेस, टीचेस यू फ्रेंडशिप, टीचेस यू हाउ टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद अदर। ये सिंगल प्लेयर का गेम नहीं है, जो सिंगल इंडिविजुअल, इसमें आप चाहे एक खिलाड़ी कितना भी अच्छा हो, लेकिन सबके सब 11 अगर तब तक सक्षम नहीं होंगे तो जीता बहुत ही मुश्किल है करके। और दरी समाज ने पहले बार आयोजन किया, आई एम वेरी हैप्पी कि इस वजह से सब अपने जो दरी समाज के जो युवा है वो सब इससे जुड़े हैं, और इस जुड़ने से देर विल बी ए ग्रेट फेटर्निटी, एक बिलोंगिंगनेस आएगी सबके अंदर। एंड मेरी टीम है वो वज्र तो आपको सबको मालूम ही है कि दधीच का हथियार है। अब इस पर बोलने की ज़रूरत नहीं है कि कौन जीतेगा। धन्यवाद, थैंक यू। हम सब इसीलिए जुड़े हैं कि हमारा समाज जुड़ जाए, जीते कोई भी हारे कोई भी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खेलेगा भी दधीच, जीतेगा भी दधीच। थैंक्स। ओनर हूँ अतुल दायमा। हमारे पिताजी ने 1965 में दादी समाज की बम्बई में नींव रखी थी, और उन्हीं के अनुकरण करते करते आज ये टीम का मैं कैप्टन बनाऊँ, मतलब ओनर बनाऊँ। और हमारी टीम जो है कोशिश पूरी करेगी, नाम लिटिल एंजल्स है लेकिन काम बड़ा करना है, और टीम में ही सब काम होता है। कोई भी काम करो, टीम वर्क होता है तो उसमें काम सफल होता है, और इसमें हार जीत का कोई प्रश्न नहीं है। हर जो खेलने वाला है वो हर कोई जीतने वाला है, उसमें कोई प्रश्न नहीं आता है। और सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। विप्र रॉयल्स है और मैं उसका ओनर हूँ।
आशीष शर्मा मेरा नाम है, और जो दादी समाज द्वारा आज ये आयोजन किया जा रहा है, दादी समाज का 50 साल का इतिहास है, उसमें पहली बार ये अद्भुत और भव्य कार्यक्रम हो रहा है, इसके लिए मैं दादी समाज, युवा समिति और महिला समिति का आभार व्यक्त करता हूँ। मेरी टीम पिछले 15 दिनों से भरपूर मेहनत कर रही है और हर किसी भी टीम से लड़ने के लिए वो पूरा दमखम रखती है। दादी समाज के इस आयोजन के लिए मैं उनका आभारी हूँ। विशेषतया विक्रम दादी, राजेश शर्मा, विकास दादी, सुशील दादी, इनका बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। दादी समाज के लिए ऐतिहासिक मोमेंट है, ऐसा ही कहूँगा। दादी समाज अपने 50वें साल में, 50वां गरिमा में साल पूरा कर रहा है, और उसमें कंटिन्यूस बहुत सारे कार्यक्रम हम कर रहे हैं, रक्तदान, मेडिकल सेवा, उसमें युवा ने एक कार्यक्रम ये किया है DPL दादीज प्रीमियर लीग, और हमने बहुत फटाफट 20 दिनों के अंदर सारी तैयारी करी है, आपने जो भी देखे हैं, और इस लीग में दादी समाज के 100 युवा खेल रहे हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि 100 युवा एक बैनर के नीचे आज सुबह 7 बजे यहाँ जमा होकर के इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। तो सभी को शुभकामना, और आप मीडिया को भी बहुत बहुत शुभकामना। सर, आप किसको जिताने की कोशिश कर रहे हैं? मेरे सारे ही भाई हैं, और जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, मैं तो इतना ही बोलूँगा। युवा समिति के वजह से ही हो रहा है जो कुछ भी। बिल्कुल सही बात है, युवा समिति ग्रेटफुल टू देम, थैंकफुल टू देम। और हमारे पास इतने कर्मठ कार्यकर्ता है, सुशील जी जैसे, विकास विक्रम, नरेश जी, विक्रम जी, हमारे पास में जी, हमारे पास में एक सबसे बड़ा हीरा जो है वो राजेश शर्मा है, सूत्रधार सूत्रधार कर्णधार सारे धार यहाँ। वेरी ग्लैड टू हैव।